हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राज श्रीवास्तव है और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं हाउसकीपिंग लाइन में केमिकल्स जो यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे हम अपने ऑफिस होम को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जो आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। हमारा जो पहला केमिकल है वो है R1। R1 केमिकल एक सैनिटाइजर केमिकल है और क्लीनिंग केमिकल है। उसकी फ़ोटोज़ आपको मेरे स्क्रीन पर दिख जाएगी। उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। R1 केमिकल हमारा वॉशरूम में यूज़ होता है। वॉशरूम में सरफेस के लिए, सिंक के लिए, टाइल्स के लिए, फ्लोर्स के लिए एंड फिटिंग के लिए, और ट्यूब्स के लिए भी होता है। और इसके अलावा वो सैनिटाइजर भी है। इन दोनों का डाइल्यूशन अलग अलग होता है। क्लीनिंग का अलग होता है, सैनिटाइजर का अलग होता है। क्लीनिंग का जो डाइल्यूशन है वो 20 ml 1 लीटर पानी में है, और जो सैनिटाइजर का है वो 50 ml 1 लीटर पानी में है। इसको विदाउट पीपी यूज़ नहीं करना चाहिए। पीपी हमारा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हम अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ जो करते हैं, लाइक मास्क, हैंड ग्लव्स, गॉगल्स, हेलमेट, और भी बहुत कुछ है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में ज़रूर आपको बताऊँगा। बस अब जो दूसरा हमारा है केमिकल वो है R2। हमारा जो नंबर टू केमिकल है वो है R2। R2 हमारा मल्टीपर्पज़ केमिकल है। ये हम ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोर्स, टाइल्स और वॉल के लिए क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। बाकी ये मल्टीपर्पज़ केमिकल तो है ही, हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डाइल्यूशन होता है वो नॉर्मल स्टेन के लिए होता है 20 से 40 ml 1 लीटर पानी में, और जो हैवी स्टेन्स के लिए होता है, हैवी सॉइलिंग के लिए होता है 50 ml 1 लीटर वाटर में। इसको भी विदाउट पीपी यूज़ नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमारा सारा केमिकल विदाउट पीपी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप हाउसकीपिंग लाइन में कोई सा भी केमिकल कहीं भी यूज़ करते हैं तो प्लीज़ पीपी ही जरूर पहने, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर पहने, क्योंकि दूसरे सुरक्षा से पहले अपनी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो केमिकल है वो हमें आ रहा है R3। R3 केमिकल की पिक्चर आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगी। चलिए आप उसके बारे में अब आपको कुछ बता देता हूँ। R3 जो केमिकल होता है वो विंडो ग्लास क्लीनिंग के लिए होता है। ऑल टाइप्स ऑफ ग्लासेस जो कहीं भी यूज़ हो उसके लिए होता है, और इसका डाइल्यूशन होता है 20 से 50 ml 1 लीटर वाटर में। नेक्स्ट जो केमिकल है वो है हमारा R4। R4 की पिक्चर भी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगी। R4 एक ऐसा केमिकल है जो हमारे वुडन फर्निशिंग के लिए यूज़ होता है। जो लकड़ी के हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं, गेट होते हैं, टेबल्स होते हैं, खिड़की होते हैं, उन पे जो लैमिनेट्स चढ़े होते हैं उनको शाइनिंग करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए हमारा R4 यूज़ होता है। R4 का कोई डोल्यूशन नहीं होता है, वो रेडी टू यूज़ होता है। इसलिए हम विदाउट उसको वाटर मिक्स करे बिना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट केमिकल है वो है R5। नेक्स्ट केमिकल है हमारा R5। R5 हमारा जो केमिकल है वो एयर फ्रेशनर है। उसकी फ़ोटोज़ आपको मेरी स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसका कोई डाइल्यूशन नहीं होता है, इसको हम विदाउट वाटर के यूज़ करते हैं। ये हमारा बहुत बेस्ट केमिकल होता है। इसके बाद जो हमारा आज का आखिरी केमिकल है वो है R6। R6 हमारा वॉशरूम के लिए यूज होता है। इसकी भी स्क्रीन आपको मेरे फ़ोटोज़ पे दिख जाएगी। ये ज़्यादातर हमारा WC के लिए क्लीन होता है और यूरिनल का क्लीन क्लीन होता है। इससे हमारा वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, और यह वॉशरूम के लिए सबसे बेस्ट केमिकल है। चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि हाउसकीपिंग लाइन में और भी बहुत से केमिकल हैं, उन सब के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ अगर एक बार फिर से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।